फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कार एनर्जी विथ वन मोर वीडियो ब्रांड न्यू नेक्सॉन। दिस नेक्सॉन हैज रन फॉर ओनली 200 किलोमीटर्स एंड कम फॉर सीएनजी इंस्टॉलेशन। इसके अंदर जो किट लगाया मैंने, अपने इंडस्ट्री का सबसे टॉप का किट लगाया, दैट इज़ लवेटो COVD2। बहुत ध्यान से काम किया हूँ इसके अंदर। एक नई गाड़ी है, मतलब अपनी गाड़ी समझ के उस हिसाब से हमने काम करके दिया है। हमने ये फिलिंग वाल्व है, यहाँ से गैस फिल हो रही है, डायरेक्टली सिलेंडर पे जा रहा है। वन वे वाल्व है, नॉन रिटर्नेबल वाल्व इसको बोलते हैं, वापस यहाँ नहीं आएगा, वापस आएगा रिड्यूसर में। इस पर जो अप्रूव्ड है सिंगल स्टेज का रिड्यूसर है, जो लवेटो COVD2 में आता है। देखो मैं एक बात कहूँ, सिंगल ओ डबल ओ रिड्यूसर का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। इसका रोल है प्रेशर को रिड्यूस करना और जो ECM से कमांड मिलेगा उसी हिसाब से रिलीज़ करना। COVD2 में आपका मैप सेंसर और फिल्टर, ये दोनों इकट्ठे आता है। ऊपर आपका मैप सेंसर है और नीचे आपका फिल्टर है। अब मैप सेंसर का काम क्या है, इंजन का एयर मास फ्लो रेशियो लेके ECM को सिग्नल देगा और उसी हिसाब से एयर और गैस की मिक्सिंग होगा और यहाँ से जो भी गैस जाएगा वो फिल्टर होके जाएगा। ये आगे ये इसका ECM है, मेटालिक ECM 48 पिन का, मेड इन इटली। COVD2 का ECM जानदार है, ज़बरदस्त है, पावरफुल है, A1 है। टर्बो इंजन के लिए मैं कहता हूँ बेस्ट है। इसके अंदर मैंने जो मेन काम किया हूँ, मैं डायनेमिक एडवांसर लगाया है। बिलीव मी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ भाई, गाड़ी पेट्रोल जैसी और पेट्रोल से भी बेहतर चलेगी। इसके अंदर मैंने बिना होल की इंजन में गैस इनलेट दिया, जो कि मैं केवल नेक्सॉन में देता हूँ और किसी गाड़ी में ये कामयाब नहीं है नेक्सॉन को छोड़ के। आपके टाटा जेस्ट में, टाटा बोल्ट में और मेनली नेक्सॉन। इसके अंदर मैंने सॉकेट टू सॉकेट फिटिंग किया, कपलर टू कपलर इंजेक्टर्स में, तीनों इंजेक्टर्स कपलर टू कपलर सॉरी। इसके अंदर मैंने कूलेंट कनेक्शन करके दिया, एक पाइप यहाँ से आ रहा है और एक पाइप यहाँ से आ रहा है। ये आपके रिड्यूसर पे जा रहा है, टेम्परेचर सेंसर वहीं लगाया जहाँ लगा होना चाहिए और इससे 10% एवरेज इम्प्रूव होता है और कभी भी गैस की जो फ्लो है वो फ्री रहता है हमेशा। इसके अंदर जो मैंने वायरिंग दिया है सारा स्पाइरल ट्यूबिंग में, ये देखो आपके यहाँ से ये वायरिंग जा रहा है, ये यहाँ से ये वायरिंग जा रहा है, सारा स्पाइरल ट्यूबिंग है, प्रॉपर स्लीप। वायरिंग का बहुत ध्यान दे के काम करते हैं, जैसे टाटा ने अपनी वायरिंग दिया उससे भी बेहतर दिया हमने, उससे भी बेहतर। ये डायनेमिक एडवांसर से भी ये वायरिंग जा रहा सारा स्पाइरल ट्यूबिंग में, प्रॉपर, दिस इज़ द क्वालिटी। इनका RC भी हाथों हाथ हम चढ़वा के देंगे, सारा कुछ दिल्ली नंबर है, सारा काम हम करा के देंगे। जस्ट सी द ओवरव्यू ऑफ द फिटिंग, अल्टीमेट फिटिंग डन अगेन थ्रू कार एनर्जी, ज़बरदस्त। मैं इनका बूट स्पेस दिखाता हूँ, आइए। देखो इसमें जो स्टैंड का क्वालिटी है मैं प्रॉपर दिखा पाऊँगा। मैं ये आपका ब्रॉडर शीट में मोल्डेड पाइप स्टैंड है, बोल्टेड विद TVS नाइलो लॉक नट बोल्ट। देखो पीस के हिसाब से आता है, ये नॉर्मल नट बोल्ट नहीं है जो किलो के भाव आता है। ये एक बार फिक्स हो जाएगा, लूज़ नहीं होगा। एंड सी द क्वालिटी ऑफ द स्टैंड, मोल्डेड पाइप स्टैंड है रबर ग्रिप के साथ और डक्टिंग भी इसमें अभी फिट होगा, क्लैंपिंग होगा लीकेज चेक होने के बाद, अल्टीमेट फिटिंग। इनका अभी गत्ता वगैरह सब कटिंग होगा और एक बार ये काम हो जाने के बाद चलते हैं CNG पंप, गैस डलवाते हैं, सेटिंग करते हैं और ट्रायल लेते हैं, अल्टीमेट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो दिस इज़ टाटा नेक्सॉन BS6 2024 मॉडल, अ ब्रांड न्यू कार, ज़बरदस्त। मतलब इसके अंदर जो किट लगाया लवेटो COVD2, मतलब जो इसमें लगना चाहिए वो सब लगा के दिया हमने। इन भैया का पहले भी मैंने किट लगाया, इन्होंने करीबन मेरे को 20-25 गाड़ी जो है इन्होंने रेफरेंस भी भेजा मेरे को। एंड एट लास्ट नेक्सॉन लेने का इनका मेन कारण था, भाई लूँगा और कार एनर्जी पे लगवाऊँगा। एक बार भैया से पूछते हैं, भाई ऑनेस्टली गाड़ी में कैसे चल रहा है, मतलब क्या है? अभी तो जस्टिफाई करना मुश्किल है कि पेट्रोल पर चल रहा है कि CNG पे। अभी तो एक्सपेक्टेड जो हम रख रहे थे एक्सपेक्टेशन वही चल रहा है, बिल्कुल CNG पे एकदम पेट्रोल जैसा फील दे रहा है। और लड़के ने जो फिटिंग किया, आप खुद खड़े रहे, कैसा रहा फिटिंग? फिटिंग में टाइम लिया, तसल्ली बख्श काम किया, कोई जल्दबाजी नहीं करी और अच्छा सफाई के साथ काम किया। मैं बराबर खड़ा रहा, 4-5 घंटे लगे, लेकिन अच्छे काम में टाइम लगता है। जो इन्होंने बेस्ट करा उससे मैं सेटिस्फाई हूँ काम से। आपने बहुत रेफरेंस भी भेजे, आपका नाम नहीं था, बस आप मेरा वीडियो देखते थे, बंदे कोई पूछता था भाई वहाँ चले जाए। फर्स्ट टाइम तो मैं खुद ही लेकर आपके पास आया था 2 साल पहले,
और ख़ुद ने काम कराया था, जब उसका काम अच्छा हुआ फिर मैंने उसके बाद मैंने और नेक्सॉन टियागो वगैरह भेजी आपके पास, बस मैंने नाम नहीं बताया कि अपना खुद और बाकी मेरे को खुद लेने थी नेक्सॉन, तो ये सोच रखा था कि आपसे किट लगवानी है। चलो मज़ा आया कुल मिला के, बाकी मेरे सर्विस तो रहेंगे उसकी टेंशन मतलब आप। चलो थैंक यू। सो दिस इज़ टाटा नेक्सॉन, अ ब्रांड न्यू कार, 2024 मॉडल, फेसलिफ्ट मॉडल, अ ब्रांड न्यू कार और सीएनजी अल्टीमेट है भाई, अल्टीमेट। जैसे जैसे नेक्सॉन अभी रीसेंट आ रही है ये और ज़्यादा कंपैटिबल हो रहा है सीएनजी के लिए, बिकॉज ये इनका इंजन, इनका जो टेक्नोलॉजी है और रिफाइन कर रहे हैं और उसमें क्या है कि और कंपैटिबल है, और कंपैटिबल है। मज़ा आएगा भाई को। चलो इस तरह का वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।